आप इस सेंचुरी में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर एक सीरियल बना रहे हैं, तो आपको लगता है उनकी कहीं उन बातों बातें आज भी रेलेवेंट होगी? जी, बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ था। 65 साल का उनका कार्यकाल था। आज उनको गुजरते भी 60 साल से ज़्यादा समय हुआ है, लेकिन फिर भी 2020 में और आने वाले समय में हमारे देश के सामने कई समस्याएं ऐसी हैं कि जिनका सामना करने के लिए बाबा साहब से ही हमें ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि उन्होंने 100 साल पहले किसानों की समस्याओं पर किताब लिखी थी, स्मॉल होल्डिंग इंडिया एंड देयर रेमेडीज, जो कि किसानों को अच्छे दाम मिलने के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट किसानों को मिलनी चाहिए, मुनाफा भी मिलना चाहिए, बात करती है। खास करके बात करती है सिंचन की सुविधा की, बात करती है किसानों को अपने बच्चों को खेती से निकाल कर इंडस्ट्री में, व्यापार में, शिक्षा क्षेत्र में भेजने की। एक ही बच्चा खेती करेगा, बाकी सब वहाँ से निकलकर अलग अलग फील्ड में जाएंगे, क्योंकि बर्डन जो है, बोझ जो खेती पर बढ़ रहा था, तब बाबा साहब कहते हैं कि उससे हमको सीख लेकर इंडस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन, इन फील्ड्स के ऊपर ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल स्टेटस जो खेती को मिलना चाहिए, ये बात बाबा साहब ने 1919 में की थी, आज स्वामीनाथन आयोग वही कह रहा है। मुझे लगता है कि किसानों की समस्याओं को ले लो या हमारे देश के आबादी को, हमारे देश के जब भी हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि पहले तीन नेता थे इस देश के, एक रोधो करवे जी जो कि पत्रकार थे, समाज स्वास्थ्य पेपर चलाते थे, जयहरी टाटा जो कि उद्योजक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और राजकीय नेता के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में सिर्फ बाबा साहब थे जिन्होंने 1938 में परिवार नियोजन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक ही बच्चा, लड़की हो या लड़का हो, बेटी हो या बेटा हो, एक ही पर हमें निर्भर होना चाहिए। उनकी परवरिश हम कैसे करते हैं इस पे ये तय होगा कि हमारा नाम रहेगा या नहीं रहेगा, हम कितने बच्चे पैदा करते हैं इस पर ये निर्भर नहीं रहेगा। तो परवरिश पर हमें ध्यान देना होगा और फैमिली प्लानिंग पर, परिवार नियोजन पर ध्यान देना होगा। उनका बिल है मुंबई विधिमंडल में, उन्होंने विधायक के रूप में लाया था। उन्होंने नागपुर की परिषद में 1942 में कहा था कि महिलाओं के विकास के आधार पर ही देश का विकास नापना चाहिए, समाज का विकास नापना चाहिए। ये आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने इस विचार को स्वीकार किया है और इस विषय को लेकर पूरा देश नहीं दुनिया इस विषय पर काम कर रही है। महिलाओं की प्रगति के बारे में हम सोच रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र को ले लें तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा कंपल्सरी होगी, यूनिवर्सल होगी, फ्री होगी। अभी 2010 में हमने राइट टू एजुकेशन लाया है, अभी पूरा उसका जो असर है वो देखने को है, अभी समय लगेगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आज भी रिलेवेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कई दिनों तक, कई सालों तक, ही वॉज द मैन ऑफ इंटेलिजेंस, ही वॉज द मैन ऑफ क्रिएटर ऑफ नॉलेज, सोशल इक्वालिटी, समता की बात तो उन्होंने की थी, सोशल जस्टिस के तो वो प्रणेता थे ही, लेकिन एक वॉरियर के नाते, योद्धा के नाते, समाज में समता प्रस्थापित करने के बाद, स्वतंत्रता लाने के बाद, भाईचारा लाने के बाद, जो कि हमारे देश को, हमारे समाज को जरूर है आज भी, इसलिए उनके विचार आज भी रिलेवेंट है, ऐसे ही मानता हूँ। और आपको क्या लगता है हमारे दर्शकों में, आज के हमारे देश में, देश के लोगों में, आप उनके सोच में क्या बदलाव ला पाएंगे आप? देखिए, आज कई चैनल्स हैं, बहुत तगड़ी कंपटीशन है, हर कोई चाहता है कि वो दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कुछ देने की कोशिश करें। तो बाबा साहब के इस धारावाहिक के द्वारा NTV को 5 सप्ताह से जो उत्तर भारत में लोगों का सहभाग मिल रहा है, लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। हर सप्ताह हमारा टीआरपी बढ़ रहा है, इससे पता चलता है कि लोगों में, महिलाओं में, खास करके देहातों में और शहरों में, दोनों भी दर्शकों में ये सीरियल दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहा है। इसका कारण ये भी है कि बाबा साहब के जीवन के बारे में कई नए पहलू पहली बार लोगों को दिखाए जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, जो हम दिखा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं है,
वो आज का वर्तमान भी है और आने वाले भविष्य के लिए भी हमें उससे मैसेज मिलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एनटीवी का सीरियल एक नया ट्रेंड इंडस्ट्री में लाएगी, हमारे दर्शकों में लाएगी, एक ऐसा परिवर्तन होगा कि जिसके द्वारा ऐसे सीरियल जब लोगों को चाहिए और वो चल रहे हैं तो आने वाले दिनों में इसी तरह के विचारों पर आधारित मनोरंजन की बात होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा साहब से ये शुरू हुआ है। हम जानते हैं कि आप मराठी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, फिर आपने हिंदी यही भाषा क्यों चुनी? देखिए ऐसा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी जानते हैं और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी कई देश हैं जहाँ हिंदी चलती है। और मुझे लगता है कि हिंदी में आने से एक जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, मुख्य प्रवाह कहते हैं, उसमें हम इस विषय को लेके आए हैं। अंग्रेजी भी बहुत बड़ी भाषा है, संपन्न भाषा है, लेकिन हमारे देश को अगर हमें बाबा साहब को पहुँचाना है और देश के इर्द गिर्द के लोगों को बाबा साहब को पहुँचाना है, हिंदी ही एक ऐसा माध्यम है कि जो एनटीवी के द्वारा चुना गया है। मराठी तो अपनी महाराष्ट्र की भाषा है, मेरी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश में कोने कोने में अगर बाबा साहब को पहुँचाना है, घर घर में बाबा साहब पहुँचाना है, तो हिंदी ही एक जरिया है। अंग्रेजी में तो बाबा साहेब के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, आपको लगता है सीरियल बनाने से आप और ज़्यादा बारीकी से बता सकेंगे? जी, मूवी अच्छी बनी थी और मैं उससे संबंधित भी रहा हूँ, उसके रिसर्च टीम के साथ रहा हूँ, लेकिन मूवी देखने वालों की जो संख्या है वो भी कम होती है और दूसरा उसका असर भी कुछ दिनों तक रहता है। सीरियल करोड़ों लोग देखते हैं, कई गुना ज़्यादा लोग देखते हैं। दूसरी बात है आम से आम आदमी भी खरीद पता है टिकट या नहीं तब वो मूवी देखेगा, लेकिन सीरियल घर घर में है, टीवी आज घर घर में पहुंचा है तो हर आदमी तक ये माध्यम पहुंचता है। और तीसरी बात, देहातों में थिएटर्स ही नहीं है तो लोग कहाँ से फिल्म देख आए, लेकिन टीवी तो घर घर में है। तो मुझे लगता है कि सीरियल सिर्फ करोड़ों लोग देखते हैं ऐसा नहीं है, हर स्तर के लोग देखते हैं, हर उम्र के लोग देखते हैं, बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक, महिलाओं से लेके कामगारों तक, किसानों तक, हर हमारे देश के तबके के लोग देखते हैं, इसलिए इसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। सीरियल, कैमरा, म्यूजिक, एक्टिंग, इन सब के द्वारा एक ऐसा जीवन, एक ऐसा संदेश हमारे मन में, दिलो दिमाग में पहुँचाती है जो कि कई साल तक असर करता है। इसलिए सीरियल ही एक उचित माध्यम है, प्रभावशाली माध्यम है, ऐसा मुझे लगता है। रही बात आपकी, आपको कैसा महसूस हुआ जब भी आप एक्ट कर रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर को, जब भी शूट हो रहा था आप क्या महसूस कर रहे थे? सबसे पहली बार मुझे स्मृति सुशील कुमार शिंदे जी और बॉबी अरोरा हमारे सीरियल के निर्माता सोलो फिल्म्स, उन्होंने जब मुझे ये किरदार के बारे में पूछा गया था तो सबसे पहली चीज़ मुझे लगी थी ऑब्वियसली एक कलाकार के रूप में मैंने तो हाँ कह दिया, पर बहुत डर लगा था। दो दिन तक, दो क्या ऑलमोस्ट दो चार दिन तक मैं सो नहीं पाया था। उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि ये सही मौका है और ये सही वक्त है उनके बारे में जानने के लिए और उनका प्रसार करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही एक कलाकार को ऐसा किरदार मिलना अपनी ज़िंदगी में, ये उसका एक जीवन गौरव ही कहा जा सकता है। और मुझे मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि बाबा साहब जी का किरदार करने का मौका मिला और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने हिंदी माध्यम से। जैसे कि सर ने कहा कि सीरियल ये एक ही माध्यम है, मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूँगा, हम जब फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे की फिल्म होती है, 3 घंटे की फिल्म बाबा साहब का कार्य, 60 सालों का कार्य वो पहुँचाया नहीं जा सकता 3 घंटे की फिल्म। तो मुझे लगता है धारावाहिक ये एक ही ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बहुत विस्तार में बताई जा सकते, ना ही उनके फैक्ट्स बल्कि उनका पर्सनल जीवन, उनका वैयक्तिक जीवन कैसा था, उनके वैयक्तिक लोगों के साथ उनका बर्ताव कैसा था, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जा सकती है धारावाहिक के माध्यम से। जब भी आपको ये बात पता चली कि आप इस रोल को प्ले कर रहे हो तो आपने खुद से कुछ तैयारी की थी? बिल्कुल, मैंने मैं भी सर को कह रहा था कि बचपन में 4th या 5th स्टैंडर्ड में जो हमारे स्कूल के गैदरिंग्स वगैरह हुए
तो उसमें मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कपड़े पहन के उनका गेटअप किया था। फैंसी ड्रेस? फैंसी ड्रेस नहीं, एक नाटक था, बट उस वक्त के नाटक कैसे थे वो सिर्फ जाके खड़ा रहना ऐसे ही। आज 20-25 सालों के बाद जब मुझे बाबा साहब जी का किरदार निभाने का मौका मिला तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। उनके बारे में ऑब्वियसली बहुत सारी जानकारी थी, पर इस धारावाहिक के माध्यम से मुझे बहुत विस्तार में जानने का मौका मिला और मेरे साथ हरी जी हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, धनंजय कीर साहब की किताब पढ़ी है, चांदेव फेयर मॉडल जी की किताब पढ़ी है, बाबा साहब जी ने लिखी हुई स्मॉल होल्डिंग्स एंड द रेमेडीज इन इंडिया वो किताब पढ़ी है। तो पढ़ाई तो ऑब्वियसली जारी है, पर उसके बावजूद मैं ऐसा समझता हूँ कि उनका वैयक्तिक जीवन और उनके जहन में उस वक्त क्या चालू था, कितनी सारी चीज़ें दौड़ती थी और उसके बावजूद इतनी विनम्रता कैसी थी, ये जानने का मौका है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप में भी वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सोशल लाइफ के बारे में तो जानते ही हैं, क्या हमें सीरियल के जरिए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनके पिताजी सूबेदार मेजर थे आर्मी में, अफगानिस्तान के वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो लड़े थे लड़ाई, तो एक लड़ाकू आर्मी के रूप में तो लोग उनको जानते थे, लेकिन वो एक टीचर थे और महू में मध्य प्रदेश में मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर में ही वॉज हेडमास्टर। सो एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने बच्चों की परवरिश कैसे की थी, बाबा साहब कैसे बने, उसके पीछे रामजी सुबेदार जी उनके पिताजी का क्या रोल था, उनकी माँ हिमाबाई का क्या रोल था, ये लोगों को शायद इतना पता नहीं है जो कि सीरियल के इस धारावाहिक के माध्यम से लोग जानेंगे। दूसरी बात उनके भाई थे, बड़े भाई थे बालाराम, वो भी उनके सहयोगी बने आगे चलकर, लेकिन बालाराम के बारे में भी लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा। उनके और एक भाई आनंद थे जिन्होंने बहुत त्याग किया था बाबा साहब के लिए, बाबा साहब पढ़ सके इसलिए अपने स्कूल एजुकेशन को छोड़ के वो काम करते थे, मेहनत करते थे। उनकी पत्नी रमाबाई बहुत कम उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका जो त्याग है, उनका जो डेडिकेशन है बाबा साहब के प्रति, उनके बेटे ईश्वर, तो ये सब उनकी बुआ थी मीरा नाम की, इन सब का बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, ये लोगों को पता चलेगा। दूसरा, बाबा साहब अकेले नहीं थे, उनके कई सहयोगी थे, कई साथी थे, कई कार्यकर्ता थे, तो उन कार्यकर्ताओं का भी योगदान इस मूवमेंट में क्या है ये भी पता चलेगा। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रगीत में भारत भाग्य विधाता की बात नहीं गई है, अगर ये शब्द सबसे ज़्यादा किसी का वर्णन करते हैं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का वर्णन करते हैं। इसीलिए बाबा साहब भारत भाग्य विधाता होने के नाते उनके निर्माण में, उनको बाबा साहब बनने में उनके टीचर्स से, उसको गुरुजी से लेके लंदन में वो पढ़े, फिर अम्बेडकर गुरुजी थे जिन्होंने अपना नाम दिया था उनको, वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, ग्रे सिटी में पढ़े थे, दुनिया की सबसे अहम यूनिवर्सिटीज है ये, वहाँ के उनके टीचर्स जिसमें सिडनी में कैनन जैसे दुनिया के सबसे माहिर अर्थशास्त्री उनको पढ़ा रहे थे। तो बाबा साहब के इस धारावाहिक के द्वारा दुनिया के कई लोगों के जीवन पर भी प्रकाश डाला जाएगा, उनके करीबी लोगों के बारे में भी बताया जाएगा। और बाबा साहब का जीवन काल ऐसा काल है जिस काल में महात्मा गांधी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना आज़ाद हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और ये सब बाबा साहब के बहुत करीबी लोग हैं, तो इनके भी बारे में, यानी कि भारत के एक महत्वपूर्ण पीरियड के बारे में ये धारावाहिक लोगों को परिचित करवाएंगे। और आखिर में बाबा साहेब की ही कही हुई शब्दों से अगर आपको हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना हो तो? मुझे लगता है कि बाबा साहब के तो कई ऐसे विचार थे कि जिसके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन हो गया था, पढ़ो उठो पढ़ो संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। हर व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, हमें अगर आगे जाना है तो हमको पढ़ना होगा, संगठित बनना होगा और संघर्ष के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, सत्य के लिए संघर्ष करने की ताकत भी हमें आनी चाहिए। इस विचारों को मुझे लगता है बाबा साहब की जो देन है वो हम समझ पाएंगे।
उसके साथ ही सॉरी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बाबा साहब ने उस वक्त कहा था जो आज के दौर में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सही बात है, देश अगर कोई भी देश अगर खुशहाल रखना चाहते हो तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो आज के देश में बहुत ज़्यादा जरूरी है, भाईचारा रखना चाहिए। रखना चाहिए तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू।